कम मिलेगा, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, टैबलेट कम मिलेगा। आपको बता दें कि विलम्ब क्यों हो रहा है, जो बच्चे एमए कर रहे हैं यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम कर चुके हैं, जिनका फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, और अगर आप सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो अभी आप तक आपको क्यों नहीं मिला। आपको बता दें कि इस वर्ष जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है, चुनाव के बाद डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है, काफ़ी कार्य जो वितरण भी हो चुका है। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां पर अभी जो फाइनल वर्ष के बच्चे हैं, एम ए, एस सी, एम कॉम, एम ए करने वाले बच्चे जिनका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, उन बच्चों को अभी तक टैबलेट नहीं मिले हैं, कुछ विद्यालय में मिल चुके हैं। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं हमारे यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है। एक कमेंट ऐसा भी आया है कि वो कह रहे हैं कि उसी विद्यालय में, उसी क्लास में आधे बच्चों को मिल गया है, आधे बच्चों को नहीं मिला है, तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, सारी जानकारी मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए, मामलों को शराब देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर शैलो प्लस। आपको बता दें जिनको भी टैबलेट अभी तक नहीं मिला है, जल्द ही वितरण होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पर जो है वो डिवाइस आ चुके हैं। अब आपके महाविद्यालय को डिस्ट्रीब्यूशन होना है, कुछ ऐसे महाविद्यालय हैं जो डिवाइस ला चुके हैं अपने महाविद्यालय में, वो अब अपने हिसाब से डेट निर्धारित करके वितरण करेंगे। जिनको नहीं मिला है डिस्ट्रिक्ट पर जो है वो सारे लोड जो है वो आ चुके हैं, आप महाविद्यालय को वहाँ से लेकर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो संभवतः जो उम्मीद है, जो विद्यालय के पास जैसा कि कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो भी चीज़ें हैं कि लाना है, उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे समय का मैनेज कर पाएँ, उम्मीद यही है कि अगस्त तो बीत ही रहा है, लेकिन 15 सितंबर तक सभी बच्चों को, सभी छात्र जो हैं, जो महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, एमए फाइनल कर चुके हैं, उन सभी को टैबलेट मिल जाएगा। इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।